हत्या हो रही है, आप हत्या का विरोध ही करेंगे ना, आप जांच की मांग ही करेंगे ना, हम और क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग कोई ऐसी चीज़ों पर एक सुर मिला के बोल रहे हैं जो कि आपके जो कि सुनियोजित आपको लगे कि हाँ ये एक विचारधारा के साथ जाने की बात कर रहे हैं, उस वक्त ये निर्णय मेरे द्वारा पूरी पार्टी के द्वारा लिया गया कि हमारा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, इसीलिए हम लोग भाजपा के साथ रहकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो लोग आज दिन रात इस बात का को बोलते नहीं थक रहे कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, ये लोग तो गठबंधन का हिस्सा कहाँ मानते थे लोजपा को। कल जीतन राम मांझी के द्वारा एक ट्वीट आया था, उस ट्वीट में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के ट्विटर को दिखाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इन लोगों की जो गठबंधन है वो अप्रत्यक्ष रूप से है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। आपको बता दें कि कल इस पर खूब सियासत भी हुई और आज जब चिराग पासवान पहुंचे तो चिराग पासवान ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि अगर हमें गठबंधन धर्म या गठबंधन करना होता तो उस वक्त ही हम करते जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था, हमें किसी ने रोका नहीं था, हम महागठबंधन के हिस्सा बन सकते थे। लेकिन आज चिराग पासवान ने कहा कि अगर आप देखिएगा तो हम सरकार के उन सवालों को उठाते हैं जो सरकार जिस तरीके से लगातार बिहार में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है उन तमाम तरह के सवाल को हम उठाते हैं, और ऐसा देखिएगा तो ये लगेगा कि हम महागठबंधन में हैं। लेकिन चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जब भी कुछ गलत होगा हमने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से उस बात को रखा है। और जब भी हम आज जब वो यहाँ पहुँचे हैं पटना एयरपोर्ट तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से रुपेश हत्याकांड हुआ हमने इस पर पहले भी ट्विटर के माध्यम से हमला किया था, और आज जब वो पटना एयरपोर्ट पहुँचे तो फिर से नीतीश कुमार पर हमला किया और कहा कि जिस तरीके से सुशांत सिंह के मामले में उन्होंने कहा था कि जब तक उनके परिजन जो है उनकी CBI की जाँच नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ जो है उनके परिजन लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं। इसी तरह के बयान जो है वो लगातार चिराग पासवान कह रहे थे कि हम उठाते हैं अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, और साफ तौर पर जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा है कि अगर हमें गठबंधन का हिस्सा बनना होता तो हम जो है वो पहले ही महागठबंधन में चले जाते, चुनाव के दौरान ही हमें किसी ने रोका नहीं था, हम वहां से सीट लेकर चुनाव लड़ सकते थे। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान वो सुनिए। अगर मीडिया के साथी भी अगर इन बातों को रखने लगेंगे ना तो हम लोग भी विपक्षी आवाज ही बनते हुए दिखेंगे। भाई अगर हत्या हो रही है आप हत्या का विरोध ही करेंगे ना, आप जाँच की मांग ही करेंगे ना, हम और क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग कोई ऐसी चीज़ों पर एक सुर मिला के बोल रहे हैं जो कि आपके जो कि सुनियोजित आपको लगे कि हाँ ये एक विचारधारा के साथ जाने की बात करें, मेरे पास आज जो जनता दल यूनाइटेड आरोप लगा रही है आप मुझे बताइए ना, क्या मेरे पास विकल्प नहीं था 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और जब मैंने फैसला लिया कि मैं जनता दल यूनाइटेड मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, उस वक्त भी तो मेरे पास विकल्प था, जाना होता तो मैं उस वक्त महागठबंधन का हिस्सा बन जाता, उस वक्त मैं वहाँ से सीटें लेके हम लोग गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ते, उस वक्त क्यों नहीं गया मैं, उस वक्त भी तो विकल्प था। पर उस वक्त ये निर्णय मेरे द्वारा पूरी पार्टी के द्वारा लिया गया कि हमारा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, इसीलिए हम लोग भाजपा के साथ रहकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो लोग आज दिन रात इस बात का को बोलते नहीं थक रहे कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, ये लोग तो गठबंधन का हिस्सा कहाँ मानते थे लोजपा को। केसी त्यागी जी का बयान आता था ना, इनके प्रदेश के बड़े नेताओं का बयान आता था ना कि लोजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है, ये जनता दल यूनाइटेड के बयान है। चुनाव से पूर्व जब मैं हॉस्पिटल में पापा को की तबीयत खराब थी जब मैं उनको देख रहा होता था, इनके बयान निकाल के देख लीजिए, निरंतरता में इन्होंने कहा था कि लोजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। तो आज क्यों बोल रहे हैं कि भैया लोजपा ने पीठ पे छुरा भोंका, क्यों बोल रहे हैं कि इन लोगों ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। भाई मैंने तो जो किया डंके की चोट पे किया, कहकर किया कि मेरा नहीं विश्वास है मौजूदा मुख्यमंत्री के पर, उनकी नीतियों पर, सरकार की कार्यशैली पर, मैंने तो जो किया खुल के किया। पर आज आपको भाई याद आ रहा कि लोजपा गठबंधन का हिस्सा थी, तब आपको याद नहीं आया जब आपने तमाम तरीके की तार्किक संभावनाओं को दूर रखते हुए 6 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद वाली पार्टी को 15 सीटें देने की आप बात कर रहे थे। उस वक्त आपको याद नहीं आ रहा था कि भैया लोजपा गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं, उस वक्त तो आप हम लोग को साइड कर रहे थे, भाजपा संभाले, भाजपा की हेडेक है लोजपा, इस तरीके की बातें कही जाती थी ना। तो आज मुझसे क्या अपेक्षा रख रहे थे जनता दल यूनाइटेड के नेता, क्यों इस बात को कह रहे हैं कि पीठ में छुरा भौंका और हम लोगों के साथ गठबंधन धर्म नहीं निभाया। आज जिनके साथ गलबहियां कर रहे हैं, जिनके साथ कर रहे हैं, बताइए ना 2019 में उन्होंने कौन सा गठबंधन धर्म निभाया था, या 20 के चुनाव में
जो नए साथी जो पुराने थे और उनको वापस ला रहे हैं वो कहाँ थे 2020 में, उन लोगों ने छुरा नहीं भोगा था क्या? तो ये लोग अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आज गठबंधन गठबंधन गठबंधन, माना आपने कभी कि लोजपा गठबंधन में थी? उस वक्त तो हम लोग की हैसियत दिखाई जाती थी, कहा जाता था कि लोजपा की हैसियत क्या है, अकेले चुनाव लड़कर देख लें। लड़ लिया हमने, तकलीफ किसको हुई? चिराग पासवान तो आज भी उतना ही कॉन्फिडेंट है और उतना ही खुश है, ज़्यादा खुश हूँ बल्कि। तकलीफ किसको हुई? वो आज बोल रहे हैं कि भैया गठबंधन धन नहीं।